भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली महाराज के दर्शनों के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद रहा। बाबा के धाम पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति ने बाबा नीम करौली महाराज की तपस्या स्थल पर बैठकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर समिति के लोगों ने बाबा के जीवन के बारे में उपराष्ट्रपति को बताया कि साथियों के द्वारा किए गए चमत्कारों और विगत वर्षों में हुए क्षेत्र में विकास और बाबा के प्रति आस्था की जानकारी दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि बाबा के दर्शन करके अभिभूत है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट।